नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना में बहाली के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। देश के कई राज्यों में इसका जमकर विरोध हो रहा है। आखिर ये अग्निपथ योजना है क्या? सेना में भर्ती की स्कीम को लेकर युवा क्यों भड़के हुए हैं? सड़कों और रेलवे ट्रैक पर युवा क्यों उतरा हुआ है? हम आपको विस्तार से समझाते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। अग्निवीर बने, अग्निपथ योजना की तैयारी करीब 2 साल पहले हुई थी। रक्षा मंत्रालय में आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने सरकार की अग्निपथ योजना की रूपरेखा तैयार की। दरअसल अग्निपथ योजना की शुरुआत टूर ऑफ ड्यूटी प्लान से हुई थी। ये स्कीम पहले सेना में अफसर रैंक के लिए थी। तत्कालीन CDS जनरल बिपिन रावत ने सेना के अधिकारियों के लिए TOD स्कीम का प्लान तैयार किया था, लेकिन जैसे ही इस योजना पर काम शुरू हुआ, दुनिया को कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। भारत में सेना की भर्तियां भी इससे प्रभावित हुई और उन पर रोक लग गई। फिर इस प्लान को सैनिकों के स्तर पर लाने के लिए काम शुरू किया गया। कई देशों के मॉडल्स को स्टडी किया गया। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनिंग मॉडल्स और कंपल्सरी ट्रेनिंग मॉडल का अध्ययन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी के नेतृत्व में अग्निपथ योजना का खाका तैयार किया गया। हम आपको बताते हैं ये अग्निपथ योजना है क्या। इस दौरान सेना में भर्ती 4 साल के लिए होगी और रिक्रूट्स को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। 4 साल की नौकरी में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल होगी। 4 साल बाद नौकरी की सेवाओं की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद 25% अग्निवीरों की सेवाएं आगे बढ़ाई जाएंगी, बाकी 75% को रिटायर कर दिया जाएगा। 17.5 साल से लेकर 23 साल की उम्र वाले अग्निवीर के लिए योग्य होंगे। महिलाओं को भी अग्निवीर बनने का मौका दिया जाएगा। अग्निवीरों को 4,76,000 का सालाना सैलरी पैकेज मिलेगा। 4th साल तक यह पैकेज 6,92,000 हो जाएगा। सियाचिन जैसे इलाकों के लिए रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी बल्कि 11,70,000 की राशि मिलेगी। इस राशि को सेवा निधि पैकेज का नाम दिया गया है। ये सेवा निधि पैकेज पूरी तरह से आयकर मुक्त होगी। सेवा के दौरान अगर कोई अग्निवीर वीरगति को प्राप्त होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिलेगी। अग्निवीर की बची हुई सेवा की सैलरी भी परिवार को मिलेगी। अगर कोई अग्निवीर सेवा के दौरान अपंग हो जाता है तो उसे 44 लाख की राशि दी जाएगी, बाकी बची सेवा की सैलरी भी मिलेगी। जो आज जवान को पे अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे। ओके, प्लीज डोंट टेक हिम कॉस्ट टू कंपनी वगैरह जैसे वर्ड, देयर इज नथिंग। फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते। हाउएवर, जो ये आपके सामने दर्शाया गया है, ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है ये उसकी पे है। एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी। इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा। उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है, ही विल गेट द सेम अलाउंस। अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा। अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है, मुझे भी नहीं मिल रहा, उसको भी नहीं मिल रहा। सो इट इज इक्वेटेड, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। वो साथ वाले बिस्तर पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूं, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा। देयर इज नो डिफरेंस। कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए, बिकॉज उसने लड़ाई कल हमारे साथ करनी है। और अगर वो हमारे साथ देश के लिए बलिदान देगा तो देयर इज कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी उसको हम अपना छोटा सोचे। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नया बदलाव अक्सर विरोध लेकर आता है। विरोध जारी है। सेना के तीनों अंग और सरकार लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं,
कुछ सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए, कुछ गलतफहमियां हैं जो दूर होनी चाहिए, कुछ मांगे हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए।